सब भैया बहनी दीदी दाई मन ला जोहर, जय मां दंतेश्वरी, जय मां बमलेश्वरी, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहर। उपेश बघेल जी, श्री चरणदास महंत जी, श्री ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, यशोदा वर्मा जी, हर्षिता बघेल जी, निर्मल कोसरे जी, देवेंद्र यादव जी, अरुण बोरा जी, मुकेश चंद्राकर जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री राजेश तिवारी जी, गजेंद्र ठाकरे जी, आप सबका और सभी पदाधिकारी, सभी कांग्रेस जनों का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज बुखार तो है लेकिन आप सबको देख के खुशी ही होती है, क्योंकि आप खुश लगते हो। दो दिन पहले मध्य प्रदेश गई थी, वहां की जनता खुश नहीं लगती। जब भी मैं छत्तीसगढ़ आती हूं और संबोधित करती हूं जनता को, तो आप मुस्कुराते हुए दिखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ हालचाल ठीक है कि नहीं? अच्छे हैं, खास तौर से मेरी बहनें। देखिए, खैरागढ़ नागवंशी राजाओं की धरती है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और रानी पद्मावती देवी जी की कर्म भूमि है। आपको शायद मालूम होगा कि पद्मावती जी और इंदिरा जी का बहुत करीबी रिश्ता था। पद्मावती जी इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की, उसी समय इंदिरा जी से मिली थी जब वो छोटे छोटे थे, और तब से एक अच्छा उनका एक रिश्ता जुड़ा, वो एक मित्रता का रिश्ता जुड़ा। बाद में जब नेहरू जी को पता चला कि पद्मावती जी बहुत सेवा करती हैं समाज की, और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो पंडित जी और रविशंकर शुक्ल जी ने उनको प्रेरित किया कि राजनीति में आओ और राजनीति के जरिए जनता की खूब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाओगी। तो ये एक पुराना रिश्ता है खैरागढ़ का हमारे परिवार के साथ। इसी के तहत इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और ये जो नाम इससे जुड़ा है, इंदिरा का नाम, ये पद्मावती जी ने अपनी बेटी को इंदिरा जी का नाम दिया। और फिर विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो इंदिरा जी आए उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन को करने के लिए। तो एक लंबा रिश्ता है, एक पुराना रिश्ता है। बघेल जी ने कांग्रेस की तरफ से उस रिश्ते को निभाने का काम किया। बहुत समय से आपकी मांग थी कि खैरागढ़ जिला बने, आपसे बघेल जी ने ये वादा किया उपचुनाव के समय कि करेंगे, और जैसे ही नतीजा आया, उसके 3 दिन के भीतर खैरागढ़ का नया जिला बन गया। अब जिससे पहले कि मैं लंबा भाषण शुरू करूं, मैं बघेल जी का भाषण खत्म करती हूं। उन्होंने कहा कि घोषणा, उन्होंने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दी है घोषणाओं की, तो सबसे पहले मैं घोषणा ही कर देती हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42,00,000 उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित
स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बढ़िया घोषणा है। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता हो, आप समझो कि आज छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है। सामने दुराहे हैं, या तो आप भाजपा को चुनेंगे या आप कांग्रेस को चुनेंगे, और आप एक जहां पे आप खड़े हैं उसे समझना इसलिए जरूरी है कि कहीं गलती से आप गलत चीज ना चुन लें। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश गई, ये छोटी बात नहीं है कि वहां की जनता दुखी लगती है। दुखी किस लिए है? क्योंकि वहां जाके देखिए उनको कितना मिल रहा है धान के लिए। जब मैंने मन से कहा मध्य प्रदेश में कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आपसे लगा हुआ प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में 2400, अब तो ज्यादा बढ़ गया है, 2600 कुछ हो गया है, 2400 से 2600 का आपको धान के लिए आपको दाम मिल रहा है, तो चौंक गई जनता। मैं देख रही थी लोगों के चेहरे, चुप हो गए। बिजली बिल माफ करने की बात जो यहां पे मैं कर रही हूं, ये बातें, कितना विकास हुआ है, आज छत्तीसगढ़ देश और दुनिया में पहचाना जाता है। यहां आने से पहले आपकी बनाई हुई वो रागी का जो आटा है उसकी रोटी मैं खाके आई हूं, रोज खाती हूं। कहां आपने सोचा था कि जो वन के उपज हैं, 67 वन के उपजों के लिए आपको एमएसपी मिलेगी? क्या आपने सोचा था कि आपकी संस्कृति पूरे देश भर में फैलेगी, कि आपकी पहचान एक अलग पहचान बन जाएगी? क्या आपने सोचा था कि एक ऐसी सरकार आएगी जो आपको केंद्र सरकार की नीतियों से बचा कर रखेगी? कोविड आया, कोरोना आया, तमाम बेरोजगारी फैली, मुश्किलें आई, लेकिन आपको फिर भी बघेल जी की सरकार ने बचा के रखा। देश भर में जितनी बेरोजगारी आज है 45 सालों में नहीं हुई है, इतनी बढ़ गई है बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसमें पूरे देश भर से सबसे कम बेरोजगारी है। आज पलायन बहुत होता था, नौकरियां नहीं मिलती थी प्रदेश में, लोग जाते थे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, अन्य प्रदेशों में रोजगार ढूंढने के लिए। आज आपकी परिस्थिति यह है कि आज के खेती किसानी छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, दूसरे प्रदेशों से लोग यहां आ रहे हैं। दिल्ली में मैं कुछ उद्योगपतियों से ऐसे ही मैं मिली, मुझे कह रहे थे कि सुना है कि रायपुर सबसे अच्छी जगह बन गई है बिजनेस करने के लिए, वहां से यहां आ रहे हैं। आपका प्रदेश आज इस जगह खड़ा है जहां आपके आत्मसम्मान को बढ़ाया गया है, देश में आपका मान सम्मान सबसे ऊंचा है, सबसे कम बेरोजगारी है,
खेती से अच्छी कमाई हो रही है, सरकार से राहत मिल रही है हर चीज के लिए, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बच्चों का इलाज हो, तो आप यहां खड़े हैं और आपके साथ वाले प्रदेश मध्य प्रदेश, मैं बताती हूं आपको, जानते हैं कितनी घोषणाएं की हैं इन्होंने, इनकी सरकार ने, बताइए कितनी घोषणाएं की होंगी, 100,000, कितनी की होंगी? 22,000 घोषणाएं की होंगी, 22,000 घोषणाएं की हैं, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं आधी भी पूरी नहीं होंगी। और यहां आपकी सरकार, उपचुनाव में घोषणा हुई कि आपका जिला बनेगा, नतीजे निकलने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद बन गया। जहां 22,000 घोषणाएं इन्होंने की, 220 घोटाले किए हैं, 250 महीनों की या हफ्तों की सरकार है, 220 इन्होंने घोटाले कर डाले, हर चीज में घोटाले। यहां पे आपको जो सरकार मिल रही है वो दिन रात आपके लिए काम कर रही है, और ये मैंने अपने आंखों से देखा है। बघेल जी के साथ मैंने काम किया, उत्तर प्रदेश में प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया, और मैंने देखा कि किस तरह से दिन रात आपके लिए काम हो रहा है, चाहे वो हिमाचल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चिंता आपकी है कि मैं क्या करूंगा, किस तरह से मैं महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगा। गर्व से कहते हैं कि दीदी हमारे यहां महिलाएं सबसे ज्यादा सक्षम है। आप क्या सोच सकते थे कि जहां पूरा उत्तर भारत जूझ रहा है आवारा पशुओं की समस्या से, आपकी जैसे बहनें सुबह से लेकर शाम तक धूप में पहरेदारी करती हैं अपनी खेतों की, कि आवारा पशु आएगा खेत खा जाएगा, रात को भी नहीं छोड़ते, किसान रात भर बैठे रहते हैं। और ये आज का सिलसिला नहीं है, ये 5-6 सालों से चल रहा है। क्या आप सोच सकते थे कि आपके यहां ये समस्या हल इस तरह होगी कि आप उससे कमा भी जाएंगे, कि गोबर खरीदा जाएगा आपसे, कि गौठान ऐसे बनाए जाएंगे जहां पे महिलाओं को लाखों रुपए का फायदा हो रहा है। पिछली बार मैं यहां आई, महिलाओं से मिली, गौठान के बारे में बात की, क्योंकि एक उन्होंने वो दिखा रहे थे कि किस तरह का गौठान है, किस तरह के काम होते हैं। मैंने पूछा कितना कमाती हो बहन, एक ने कहा 1 लाख, किसी और ने कहा 6 लाख दीदी। तो आप सोच सकते थे कि एक ऐसी इतनी बड़ी समस्या पूरे उत्तर भारत में है, आज भी है, आज भी रो रहे हैं किसान, आपके यहां इस तरह से इतनी खूबसूरती से हल हो जाएगी कि इससे आपको रोजगार भी मिलेगा, महिलाएं सक्षम भी बन जाएंगी, गोबर भी बेच पा रही हैं, उससे भी कमा रही हैं, और ये समस्या हल हो गई। तो इसके लिए एक सोच की जरूरत होती है, और ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है जिसमें से भूपेश बघेल जी उभरे हैं। किसान के बेटे तो हैं, इसका मतलब है आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आपका जीवन जानते हैं, जीवन जिया है उन्होंने। लेकिन ऊपर से एक सोच है हमारी पार्टी की, जो महात्मा गांधी जी की सोच थी। क्या सोच थी? कि देश का विकास तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ग्रामीण विकास पूरा नहीं होगा, जब तक गरीब से गरीब जनता अपने पैरों पर खड़ी न हो पाए। ये है कांग्रेस पार्टी की सोच, पंचायती राज की जो सोच है, जिसके तहत आपको अपनी सत्ता अपने हाथों में दी गई, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। लोकतंत्र कि सब समान दृष्टि से सबको देखा जाए, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। और लोकतंत्र जिसमें आपका सबसे बड़ा अधिकार, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका वोट होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है संविधान ने आपको, ये कांग्रेस पार्टी ने ये नींव डाली इस संविधान में, क्योंकि हमने सत्याग्रह किया और अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी, और ये आजादी की लड़ाई नेताओं की आजादी के लिए नहीं थी, ये आजादी की लड़ाई जनता की आजादी की लड़ाई की लड़ाई थी। वो महापुरुष
जो इस देश के लिए शहीद हुए, वो चाहते थे कि यहाँ बैठे एक एक भाई को, एक एक बहन को सत्ता अपने हाथों में मिले, एक पूरी शक्ति मिले जिससे वो अपने जीवन और अपने भविष्य में बदलाव ला पाए। ये थी और है हमारी कांग्रेस पार्टी की नींव और यही हमारी विचारधारा है। इसीलिए सबसे बड़ा काम क्या किया है हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में, सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो देश की संपत्ति केंद्र की सरकार देश की जनता से छीनी जा रही है, वो प्रदेश की सरकार ने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को वापस दी है। सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो आपकी संपत्ति है, आपका पैसा है, आप ही के जेब में गया है। ये योजनाएं जिनके बारे में हम बात करते हैं, चाहे रोजगार की योजना हो, चाहे महंगाई को कम करने की योजना हो, चाहे महिलाओं के विकास की योजना हो, ये सब क्या है? इसके लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं? ये सरकार के पैसे सरकार जनता को दे रही है। जब हम सब्सिडी की बात करते हैं कि आप सिलेंडर को फिर से जब भरने जाएंगे आपको 500 रुपए मिलेंगे, इसका मतलब है कि हम जो आपकी संपत्ति है, जो सरकार के पास पड़ी है, उसमें से निकालकर आपको वापस पैसे दे रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार क्या कर रही है? वही संपत्ति छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। तो अडानी जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनको सारी खदानें दी जाती हैं, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारे बड़े बड़े कंपनियां, सरकारी कंपनियां, ये तो आपकी संपत्ति है जो दी जा रही है। आपको रोजगार मिलता था वहां से, आपके बच्चों का भविष्य बनता था, आपको पेंशन मिलता था। तो ये सब संपत्ति जो आपकी है, ये इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है, कोड़ियों की दाम पे बेची जा रही है और देश की जनता कुछ कर नहीं पा रही है। देखती जा रही है कि एक के बाद एक, चाहे BHL हो, HAL हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, एक के बाद एक बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में जा रही है। हम समानता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सबको शक्ति मिलनी चाहिए, सबको सत्ता मिलनी चाहिए। जो जनता की संपत्ति है वो योजनाओं द्वारा जनता के लिए कार्य करके, विकास करवा के जनता के हाथों में वापस जाना चाहिए। ये लोग कहते हैं उठा के अपने उद्योगपति मित्रों को दे दो, तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि जहां से रोजगार बनता है वो सब माध्यम इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो अब आगे भविष्य में क्या किया जाए? अगर आप सोच समझ के नहीं अपना वोट, अपने विवेक से आप नहीं वोट देंगे, तो आगे जाके छत्तीसगढ़ में यही नौबत आएगी। जितना काम सरकार ने किया है, आज जितने बड़े बड़े काम आपके लिए किए गए हैं, वो सब ठप हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। आज आपके प्रदेश को देख के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ का मॉडल गुजरात मॉडल से कहीं अच्छा है। वो तो दिखावे का मॉडल था, उसमें सब सुनहरा दिखता था, लेकिन हमने देख लिया है कि क्या हुआ। देश में इन्होंने यही मॉडल लागू किया, सारी संपत्ति उठा के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिए, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ाई, किसी को राहत नहीं दी, चाहे किसान हो महंगाई से जूझ रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम जूझ रहा है, परेशान है, चाहे युवा हो रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आपके यहां जैसे मैंने कहा धान जो खरीदा जा रहा है सबसे ज्यादा 2640 रुपए का जो है, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है। आज लाखों किसानों को 23,000 करोड़ रुपए तक इनपुट सब्सिडी दी गई है, लाखों किसानों को का कर्ज माफ किया गया है, 10,000 करोड़ रुपए तक कर्ज माफ किया गया है, बिजली बिल आधा किया, 5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष दिया गया, वन उपज के जरिए आपको आपकी आय बढ़ाई गई,
मिलिट प्रोडक्शन की बड़े बड़े प्लांट लगाए गए। बस्तर जो हिंसा के लिए जाना जाता था, आज अपने मिलिट के लिए जाना जा रहा है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जा रहा है। इतने सारे बड़े बड़े काम किए, क्या आप चाहते हैं कि ये सब काम रुक जाएं? क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो 22,000 घोषणाएं करे लेकिन एक काम न कर पाए? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का किसान है वो इसी तरह परेशान किया जाए जिस तरह पूरे देश भर में भाजपा की सरकारें किसानों को परेशान कर रही हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए लेकिन उन्हें रोजगारी न मिले, कोई संभावना ही ना हो कि अपना भविष्य बना पाए, जैसे तमाम भाजपा के प्रदेशों में है? या आप चाहते हैं कि इस तरह की सरकार आपके यहां चले जो आपके लिए दिन रात काम करे? आपको समझना पड़ेगा कि आप कहां पे हैं और आगे आपको कहां चल के जाना है। अगर 5 सालों के लिए एक ऐसी सरकार आ जाए जो आपके हित में काम न करे तो नुकसान किसी नेता का नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, आपके बच्चों का होगा, आपके भविष्य का होगा। महिलाओं के लिए मेरी बहनें बैठी हैं, कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, सब बंद हो जाएंगी क्योंकि महिला को आगे बढ़ाना इनके जहन में ही नहीं है। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश जैसे 18 सालों से इनकी सत्ता है मध्य प्रदेश में, क्या किया इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? सबसे ज्यादा हिंसा वही है महिलाओं पे, हर रोज 17 बलात्कार होते हैं, सुरक्षा ही नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले, चुनाव से 2 महीने पहले लाडली बहना योजना निकाल दी कि हम आपको आपके खाते में हर महीने थोड़े से पैसे डालेंगे। क्या समझते हैं कि महिलाएं बेवकूफ हैं? 18 सालों से आपने कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए, चुनाव आ रहा है, 2 महीने पहले आपने योजना निकाल दी और आप सोचते हैं कि महिलाएं आपको धड़ाधड़ वोट दे देंगी? ये सोच है इनकी। और यहां की सोच, 10,000 गौठान बनाए हैं जिससे आपको रोजगार मिलता है, आपका हुनर बढ़ाया जाता है, आपको रोजगार देने का काम किया है। मैं बात कर रही थी बघेल जी से कि आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में, कहते हैं यहां तो पहले से है, यहां तो सबसे ज्यादा नौकरियां, सबसे ज्यादा सक्षम महिलाएं हैं। तो ये एक सोच होती है, सोच ये है कि आपको आगे बढ़ाना है, आपका विकास करना है। ये सोच नहीं है कि चुनाव आएगा, घोषणा कर देंगे, लोगों को फुसला देंगे, चुनाव आ रहा है, धर्म की बात कर लेंगे, लोगों का ध्यान भटका देंगे, लोगों के जज्बात धर्म से जुड़े ही हैं, हमें वोट मिल जाएगा, सत्ता में रह जाएंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये सोच नहीं है, ये भाजपा की सोच है और ये सोच हमने बार 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 देखी है। एक मुख्यमंत्री आपके, एक सरकार आपकी जो आपके लिए काम करके दिखाना चाहती है, जिन्होंने जो कहते हैं कि मेरे से कुछ भी सवाल पूछ लो, समस्या है आकर बताओ, उसको सुलझाने का रास्ता मैं निकालूंगा, और दूसरे वो जो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। दो चीजों में बहुत फर्क है बहनों, क्योंकि जब नेता को मालूम हो जाता है ना कि उसे काम करने की जरूरत नहीं है, कि चुनाव आएगा, मैं कोई अच्छी सी घोषणा कर दूंगा, मैं धर्म की बातें कर दूंगा, लोगों में भय, दिलों में भय डाल दूंगा और बोलूंगा कि भाई तुम्हारे धर्म को सुरक्षित रखने वाला मैं हूं और धर्म के आधार पर मैं वोट मांग लूंगा, तो मेरी नैया पार हो जाएगी, वो बहुत अलग तरह का नेता होता है। जो नेता समझता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, अगर मैं जनता के साथ विश्वासघात करूंगा तो दोबारा जनता मुझे वोट नहीं देगी, तो मैं सत्ता में फिर से नहीं आ सकता। एक नेता वैसा हो जो मन में जनता के लिए श्रद्धा रखता है, जो जनता का आदर करता है, जो दिल से चाहता है कि जनता की समस्याओं का हल किया जाए, वो बहुत अलग तरह का नेता होता है। ये दो अलग अलग राजनीति हैं बहनों और भाइयों, और आप जहां खड़े हैं
आपके सामने यही दो रास्ते हैं, एक राजनीति जो आपका ध्यान भटकाएगी, जो आपको आगे बढ़ाने की बातें करेगी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ओबीसी एससी एसटी के लिए जातिगत जनगणना की बात करेगी तब चुप हो जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि गिनती कर लो, देश में गिनती कर लो, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कौन कौन क्या क्या है, ताकि जब योजनाएं बने, जब रोजगार बांटे गए, जब ये सब काम हो तो अच्छी तरह से न्यायपूर्वक हो। अगर गिनती ही नहीं होगी, अगर हमें मालूम ही नहीं कि हमारे गांव में कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने नई हैं, कितने कुछ भी, ये गिनती नहीं होगी तो हम उस गांव का विकास कैसे करेंगे? तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में जब गिनती हुई तो पता चला 84% ओबीसी एससी एसटी हैं। अब 84% ओबीसी एससी एसटी हैं, लेकिन आप जितने भी देश के बड़े बड़े आप देखो, चाहे आप उद्योगपतियों को देखो, चाहे मीडिया वालों को देखो, चाहे आप सरकार के सचिवों को देखो, चाहे कहीं भी देखो, तो ये 84% आपका प्रतिनिधित्व नहीं दिखता। तो सारी हमारी कांग्रेस की पार्टी कह रही है कि गिनती करो। भाजपा जो सालों से कहती चली आ रही है कि हम ओबीसी वर्ग एससी वर्ग एसटी का उत्थान करना चाहते हैं, मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं करनी, गिनती ही नहीं करनी। अरे गिनती नहीं करोगे तो विकास कैसे करोगे? महिला आरक्षण की बात करते हैं, बिल पास कर देते हैं और धूमधाम से मीडिया बाजी, मोदी जी को सब महिलाएं नमस्कार कर रही हैं कि आपने क्या कर दिया, किसी ने नहीं किया आपसे पहले। बाद में पता चलता है कि ये पास तो हो गई, 10 सालों के लिए लागू नहीं होगी। तो 10 सालों के लिए महिलाओं को अधिकारी नहीं मिलेगा, तो मीडियाबाजी हो जाती है, प्रचार हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाती है, जमीन पर काम नहीं उतरता। बहनों और भाइयों, ये इनकी राजनीति है और एक हमारी राजनीति है जो आप में फूट फैलाना नहीं चाहती। हम आपको अलग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आप सब एक हो और एक होकर आपका विकास हो। हम चाहते हैं कि महिलाएं, ओबीसी एससी एसटी, सारे वर्ग, सबका विकास हो, गरीब से गरीब के घर में रोजगार हो, थोड़ा सा पैसा हो कि कम से कम आगे भविष्य में कुछ उम्मीद रहे। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और आपको इस तरह की परेशानियां न हो जो आप पे थोपी जाती हैं, और ऐसी नीतियां न हो जो आपकी सारी संपत्ति जो आपका है, आपके देश को, आपकी सत्ता को आपके हाथों से छीन ले और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे। यहाँ ओपीएस लागू है, जो सरकारी अधिकारी हैं वो सब जानते हैं, वहां मेरे पुलिस कर्मी भाई खड़े हैं, वो सब जानते हैं कि एक ही मांग है, एक ही मांग है आज इनकी, कि हमें पुराना पेंशन दे दो। क्योंकि हम 20 साल काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, हम भी देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमें बुढ़ापे में थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए। इसीलिए तो हमने जब हम नौजवान थे हमने सरकारी नौकरी ली। आज आप कह रहे हो कि पुराना पेंशन नहीं मिलेगा और हमारा पेंशन सुरक्षित ही नहीं रहा, और इनकी भाजपा की सरकारों वाले प्रदेश में कोई सुनवाई नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां ओपीएस लागू है, यहां लागू है, राजस्थान में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है, कर्नाटका में लागू है। तो बस यही बातें आपको मैं कहना चाहती हूं। आप इस मोड़ पे आ गए हो, कुछ दिनों में वोट डालने जाओगे, तो सोच समझ के अपना वोट डालोगे या धर्म के बहकावे में या किसी की झूठी घोषणाओं के बहकावे में डालोगे, ये आप समझ लो। जो आपके सामने है, जो आपने 5 सालों से सरकार देखी है, जिसने आपका मान सम्मान बढ़ाया है, आपके पूरे देश और दुनिया में आपका नाम बनाया है, आप इस सरकार को 5 साल और मौका देंगे कि आपके लिए और भी मजबूती से काम करें, या फिर आप ऐसा रास्ता पकड़ेंगे जो आपको विकास नहीं, आपको सिर्फ परेशानियों का जीवन और मुश्किलों का जीवन देगा।
आप सोच समझकर अपना वोट डालिए। जिस दिन आप वोट डालने के लिए जाएंगे, मेरी बातों को, बघेल जी की बातों के को और साहू जी की बातों को जरूर याद रखना, क्योंकि ये वोट आपका है और आपके लिए है, प्रदेश आपका है। इसमें कितना अच्छा हो सकता है वो आप देख चुके हैं, और भी देखने को बाकी है, बहुत और काम हो सकता है आपके सहयोग से। और इससे पहले जो हो रहा था वो भी आपने देख लिया है, आसपास के प्रदेशों में जो हो रहा है वो भी आपने देख लिया है। तो सोच समझकर जागरूक बनके अपना वोट डालिए, और मैं जानती हूं कि आप जब जागरूक बनके अपना वोट डालेंगे तो आपका वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाएगा, और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आपके प्रदेश में आएगी और आप देखेंगे कि जो घोषणाएं मैं आज करके जा रही हूं, एक नहीं सारी की सारी पूरी होंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने बातें सुनी, ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। जय हिंद।